वेलकम टू विलन, दिस इज सेशन नंबर 13 ऑफ कोर जावा। इन द सेशन नंबर 13 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू AWT, AWT कंपोनेंट हायरार्की, हाउ टू ऐड कंपोनेंट टू ए कंटेनर, AWT कंपोनेंट्स, लेबल, बटन, चेकबॉक्स, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, चॉइस लिस्ट एंड स्क्रोलिंग लिस्ट। फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट द AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। बेसिकली क्या है कि जब भी हमने अपलेट प्रोग्रामिंग डू द अपलेट प्रोग्रामिंग इन द अपलेट प्रोग्रामिंग वी आर ओनली डिस्कस अबाउट द टेक्सचुअल पार्ट ऑफ ग्राफिकल पार्ट ऑफ द टेक्स ऑफ द जावा। मीन्स हमने ग्राफिक्स को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अब मैं क्या किया कि कोई भी हमारे पास विंडोज़ कंपोनेंट्स, मीन्स अगर हमारे पास जैसे सपोज करिए टेक्स्ट बॉक्स हो गए, लेबल्स हो गए, बटन्स हो गए, मीन्स वी कॉन्ट एड द टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स, बटन इन द जावा। तो बाई यूजिंग द AWT कंपोनेंट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट्स कंपोनेंट वी आर एबल टू एड द जावा विंडोज कंपोनेंट इन टू द एप्लेट्स प्रोग्राम। मीन्स डिस्क्राइब इन द एवरी जावा टेक्स्ट बुक एडुकेट फॉर मेनी एप्लीकेशन। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो भी विंडोज एप्लीकेशन हम डिजाइन करते हैं, तो पर्टिकुलर विंडोज एप्लीकेशन के लिए हमारे पास एक पैकेज है जावा के अंदर, जिसका नाम है java.awt पैकेज। इस पैकेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस क्रिएट होती है। मीन्स हमारे पास विंडो टूल किट, विंडोज़ के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, विंडोज कंपोनेंट्स की एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड क्लास होती है। पर्टिकुलर उस क्लास को हम यूज़ करके किसी भी एप्लेट में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी विंडोज़ कंपोनेंट ड्रा कर सकते हैं। एप्लेट पैनल इज अ कंटेनर, ओके। दिस इज द एप्लेट हायरार्की, AWT हायरार्की की मीन्स हाउ वी कैन इनहेरिट द कंटेनर फ्रॉम द एप्लेट, ओके। द फर्स्ट वन इज द java.lang.object, दिस इज द बेस क्लास ऑफ एनी, वी कैन से दैट दिस इज द पेरेंट क्लास ऑफ एनी क्लास, ओके। दिस क्लास इनहेरिटेड बाय द java.awt कंपोनेंट क्लास, एंड द कंपोनेंट क्लास इज इनहेरिटेड बाय द कंटेनर क्लास, कंटेनर क्लास इनहेरिटेड बाय द पैनल क्लास, एंड पैनल क्लास इज इनहेरिटेड इन द एप्लेट क्लास, एंड नाउ वी आर एबल टू यूज द एप्लेट बाय द डिफरेंट डिफरेंट क्लास। क्रिएटिंग कंपोनेंट मीन्स हाउ वी क्रिएट द कंपोनेंट। फर्स्ट वेन वी वॉन्ट टू क्रिएट अ कंपोनेंट, फर्स्टली वी क्रिएट कंपोनेंट एंड देन वी एड द कंपोनेंट इन टू द कंटेनर। मीन्स जैसे हमें अगर कोई कंपोनेंट हमें ऐड करना है, तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे। मीन्स पर्टिकुलर उस कंपोनेंट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या किसी भी एक टेक्स्ट बॉक्स में या कर सकते हैं कंटेनर में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्रिएट करें एक लेबल, ठीक है। लेबल को मैंने हाई डेप, मैंने लेबल में एज ए टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट मैंने यूज़ किया, फिर मैंने बटन्स यूज़ किया, बटन्स के लिए मैंने क्या किया, क्लिक में यूज़ किया। मैंने चेकबॉक्स के लिए मैंने टॉगल यूज़ किया। टेक्स्ट फील्ड मैंने इनिशियल टेक्स्ट लिखा, एंड देन द नंबर ऑफ साइज टेक्स्ट इज 20। स्क्रॉल बार, ओके, स्क्रॉल बार मैंने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार लिया, इनिशियल वैल्यू, बबल साइज, मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू। मीन्स हम स्क्रॉल बार के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को सेट कर सकते हैं। अब ये तो मैंने क्या किया, कंपोनेंट को क्रिएट किया। अभी मैंने कंपोनेंट, वी आर नॉट एट द कंपोनेंट इन टू द कंटेनर, दिस इज एडिंग कंपोनेंट टू द एप्लेट। मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर क्लास में, पर्टिकुलर में हम क्या करेंगे, किसी कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट हमने क्रिएट किए हैं, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को अपने कंटेनर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मीन्स जब हम कंपोनेंट कंटेनर में ऐड करते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया पर हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, मीन्स जैसे मैंने लेबल्स क्रिएट किया था, बटन्स क्रिएट किया था, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया था, टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया था, स्क्रॉल बार क्रिएट किया था, टॉगल क्रिएट किया था, तो मीन्स मैंने डिफरेंट फील्ड क्रिएट किया था। इसके लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड मेथड है ऐड नाम का। ऐड नाम, बाय यूजिंग द ऐड मेथड वी कैन ऐड द लेबल्स या कंपोनेंट इन टू द एप्लेट। तो यहाँ पर मैंने इनिट मेथड के अंदर मैंने क्या किया, सारे के सारे मेथड्स को, कंपोनेंट्स को क्या किया, मैंने कंटेनर में ऐड किया है। लेबल, लेबल आर ग्रेट फॉर प्रोवाइडिंग यूजर प्रॉम्प्ट एंड फॉर द डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन दैट शुड नॉट बी मॉडिफाइड बाई यूजर। मीन्स इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले एनी मैसेज, एनी इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, तो यू कैन यूज द लेबल कंपोनेंट इन टू द जावा, ओके। दिस कंपोनेंट इज डिफाइंड इन द java.awt.labels क्लास के अंदर। इफ यू वॉन्ट टू हैव द मॉडिफिएबल लेबल्स, कंसीडर यूजिंग टेक्स्ट फील्ड इंस्टेड। मीन्स अगर आप चाहते हो कि कोई भी कंपोनेंट, कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट जो हमने लेबल्स क्रिएट किया, ये हमारा मॉडिफिएबल हो, मीन्स यूजर कैन मॉडिफाइड इट, तो देन द यूज टेक्स्ट फील्ड इंस्टेड ऑफ द लेबल्स। इन ऑलमोस्ट ऑल द एग्जाम्पल प्रेजेंटेड हेयर द स्टेटस वार कंटेनिंग द लेबल टू यूज द कन्वे इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। मीन्स हमें क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर यूजर के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, मीन्स कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन अनमॉडिफिएबल हो, मीन्स अब यूजर कॉन्ट बी
can't use this info, can't update this information, then we can use the labels. Button is basically useful when the application must be receive a specific instruction from the user before proceeding. फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करिए कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी यूजर कोई भी स्टेटमेंट दे कि हमारे पास ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के बिहाफ पे हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर डेटा एक्सेस करना है या पर्टिकुलर टाइप्स एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बटन्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यूजर मस्ट इंटर डेटा एंड देन वांट टू परफॉर्म द टास्क, द बटन कैन बी यूज टू इंस्ट्रक्ट द एप्लेट एप्लीकेशन टू प्रोसीड व्हेन द डेटा एंट्री इज कम्प्लीटेड. ओके, मीन्स हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बटन कंट्रोल यूज़ करते हैं फॉर द स्पेसिफिक टास्क. चॉइस कंपोनेंट लाइक अ वेरी लिटिल स्क्रीन स्पेस इट एंड कैन प्रेजेंट द यूजर विद द सीरीज ऑफ द चॉइस फ्रॉम विच द सिंगल सेलेक्शन कैन बी मेड. मीन्स हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास चॉइस डिफरेंट चॉइस होती है, उस पर्टिकुलर चॉइस में क्या करते हैं हम एक किसी भी एक चॉइस को यूज कर सकते हैं. लिस्ट कंपोनेंट फुलफिल मच ऑफ द सेम फंक्शनलिटी एज द चॉइस कंपोनेंट. मीन्स लिस्ट और चॉइस हमारे पास सेम फंक्शनलिटी होती है, लेकिन बस डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट इज दैट कि वी कैन चूज मोर देन वन एलिमेंट इन द लिस्ट बट वी कॉन्ट चूज मोर देन वन एलिमेंट इन द चॉइस बॉक्स. ओके, हाउ एवर दे कैन टेक मोर स्पेस देन द चॉइस कंपोनेंट. दिस कैन बी यूजफुल एट अ टाइम, हाउ एवर यूर आइटम कैन बी प्रेजेंटेड टू द यूजर विदाउट ही आर सी हैविंग द एक्चुअल क्लिक ऑन द कंपोनेंट टू सी. मीन्स हम क्या करते हैं, अगर चॉइस लिस्ट करें तो हमारे पास कंपोनेंट को देखने के लिए शो करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि हम कंपोनेंट्स के ऊपर क्लिक करें, लेकिन इफ़ यू क्रिएट द लिस्ट बॉक्स लिस्ट देन यू कॉन्ट यूज द क्लिक यू आर यू कॉन्ट क्लिक द ऑन द लिस्ट आइटम. ओके, इट ऑल्सो शो द ऑल द लिस्ट ऑफ द आइटम. टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट आर यूजफुल फॉर गेटिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम द यूजर. सपोज करिए अगर आपको बहुत ज़्यादा यूजर से कोई भी डेटा चाहिए तो पर्टिकुलर डेटा के लिए आप क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया. सो फॉर डिस्प्लेइंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज फ्री टू बी मॉडिफाइड. ओके, दे टेक अ मोर स्क्रीन रियल इस्टेट दैन टेक्स्ट फील्ड बट कैन कंजर्व क्वाइट अ लॉट ऑफ रूम बिकॉज दे हैव सपोर्ट फॉर स्क्रॉल बार. ओके, दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्क्रॉल बार वी कैन यूज इन द टेक्स्ट एरिया. मीन्स हमें अगर कोई भी टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मल्टीपल टेक्स्ट चाहिए, मल्टीपल लाइन टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं. टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग शॉर्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर. दे आर लिमिटेड टू द सिंगल लाइन इनपुट. फॉर मल्टीपल लाइन इनपुट यूज द टेक्स्ट एरिया इंस्टेड. मीन्स अगर हमें टेक्स्ट फील्ड यूज करना, अगर कोई सिंगल लाइन इनपुट यूजर से पिकअप करना है तो उस सिंगल लाइन इनपुट के लिए क्या करते हैं, हम टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं. इफ़ यू यूज द want to pick up the data from the multiple user, then you use the text area. Whenever the user type data into the text field and hit enter or change focus, the text field will generate new event. Means हम क्या करते हैं, हमारे पास text field में different events होते हैं, particular events के बिहाफ पे क्या करते हैं, हम उसकी value को get कर सकते हैं, उसकी value को हम different किसी particular variable पे set कर सकते हैं. What are the use of AWT component? What are the different component of AWT? Okay, this is the basically theoretical part. Now we are going to discuss about the practical implementation of the AWT component, means how we can display the component, how we can create the component, how we add the component into the control panel. Okay, ab dekhte hain. Firstly we import import java.applet.start public class AWT test which extend applet. Now here we create the labels. L1 is equal to new label welcome in AWT component. Okay, here we create the label. Now we create the button.
double to button b1 is equal to new button click me. Choice ch is equal to new Delhi and then Mumbai. Now public void init and then we add the component into the applet. First one component is the L1, second component is B1, third component is CH. ओके ये हमारे पास कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हुए. इस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को मैंने क्या किया ऐड किया एप्लेट कोड AWT टेस्ट height 300 width 300. Okay, this is basically code for the applet. Now control S Java and then compile Java C AWT test dot Java. This expected add item. Okay. Java C what is this? No, just suppose. Now just leave this component. Button. This is the button component. Java C. AWTest.java, and then applet viewer AWT test dot Java. Okay, and then it this component used in add in the applet means welcome in the applet command. This is the text box and this is the radio buttons. This is the button. Okay, the use this component is added in the Java. Suppose carry
अगर आप कोई भी कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं तो इस कंपोनेंट को भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को ऐड कर सकते हो। जैसे सपोज करिए यू वांट टू टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड टी एफ इज इक्वल टू टेक्स्ट फील्ड टी एफ इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड को एड टेक्स्ट फील्ड, कंपाइल द प्रोग्राम जावा से, रन द प्रोग्राम, एप्लेट व्यूअर AWT टेस्ट डॉट जावा। दिस कम फंक्शन टेस्ट इंटर द टेक्स्ट, दिस हियर वी डोंट फाइंड द साइज एंड दिस इज यूज एज वैल्यू। मीन्स अगर हम यहाँ पर साइज बता देते तो पर्टिकुलर हमारे इस टेक्स्ट फील्ड की साइज यहाँ पर दिखाता है, हमारा पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड कितने साइज की डेटा को क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स थे जिस कंपोनेंट को यूज करके क्या कर सकते हैं, हम कोई भी ग्राफिकल डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स अगर हम यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना चाहें तो वो डिज़ाइन हम क्या कर सकते हैं, ईजिली यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ द बेसिक प्रोग्रामिंग ऑफ द AWT कंपोनेंट्स। मीन्स हमने कंपोनेंट्स की भी सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग की कि कंपोनेंट कैसे हम ऐड करेंगे, कंपोनेंट को कैसे रिमूव करेंगे, कैसे डिस्प्ले करेंगे कंटेनर के अंदर। दिस इज योर प्रोग्राम फॉर द एडिंग एंड कंट्रोलिंग द AWT कंपोनेंट्स इन द एप्लेट। ओके, थैंक यू।